स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद ब्लॉग में। आज की हमारी ट्रेन इन्फॉर्मेशन है 16734 ओखा रामेश्वरम वीकली एक्सप्रेस के बारे में। फर्स्ट सर्विस की अगर बात की जाए तो 14 नवंबर 2006 को इस ट्रेन को फर्स्ट टाइम चलाया गया था। ट्रेन टाइप की अगर बात की जाए तो मेल एक्सप्रेस टाइप की यह ट्रेन है और रेक जोन की बात की जाए तो साउथ नॉर्थ रेलवे स्टेशन इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। ट्रैवलिंग टाइम की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो 57 घंटे 13 मिनट लगाती है ये ट्रेन। इस दरमियान में इस ट्रेन के 43 हॉल्ट्स होते हैं और डिस्टेंस 3136 किलोमीटर का सफर तय करती है और जिस स्पीड की अगर बात की जाए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और मैक्स परमिसिबल स्पीड की बात की जाए तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। अराइवल की अगर बात की जाए तो ये ट्रेन 8:40 को रवाना होती है ओखा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह में और 2 रातें चलकर दूसरे दिन मंदापा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इवनिंग में 5:53 को। पैंट्री और कैटरिंग की बात की जाए तो पैंट्री कार्ट, ऑनबोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा आप लोगों को इस ट्रेन में देखने के लिए मिल जाती है। रेक की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो ICF रेक के कोच लगे रहते हैं और कोच पोजीशन की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो SLR के 2 डिब्बे मिलेंगे, जनरल के 3, AC 2 टायर के 2, AC 3 टायर के 8, स्लीपर के 6 और पैंट्री कार्ट का 1। ऐसे टोटल आप लोगों को इस ट्रेन में 22 कोचेस देखने के लिए मिल जाएंगे। टिकट प्राइस की अगर बात की जाए तो AC 2 टायर में आपको देने होंगे 3,690 रुपए, AC 3 टायर में आप लोगों को देने होंगे 2,505 रुपए, स्लीपर में आप लोगों को देने होंगे 965 रुपए और इसी के साथ आप लोगों को बात की जाए जनरल में तो जनरल में देने होंगे आप लोगों को 595 रुपए ओखा से मंदापा रेलवे स्टेशन के दरमियान में। लोकोमोटिव की अगर बात की जाए इस ट्रेन में तो ओखा से काचीकुड़ा के दरमियान में GTL का WDM3D ट्विंस लोकोमोटिव इस ट्रेन में लगाए जाते हैं और काचीकुड़ा से मदुरई के दरमियान में इस ट्रेन में AJJ4 लगाया जाता है इस ट्रेन में। तो चलिए मालूम करते हैं इस ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में। यह ट्रेन सुबह में रवाना होती है ओखा रेलवे स्टेशन से 8:40 को। इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप होता है दवरका रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 9:08 और डिपार्ट टाइम है 9:13। अब तक इस ट्रेन ने 28 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप है भटिया रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 9:35 और डिपार्ट टाइम है 9:37। अब तक इस ट्रेन ने 70 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप है खंबाली रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 10:07 और डिपार्ट टाइम है 10:09। अब तक इस ट्रेन ने 113 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का चौथा स्टॉप है जामनगर रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 11:18 और डिपार्ट टाइम है 11:23। अब तक इस ट्रेन ने 167 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का पांचवा स्टॉप है हपा रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 11:35 और डिपार्ट टाइम है 11:37। अब तक इस ट्रेन ने 175 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का छठवा स्टॉप है राजकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 1 बजे का और डिपार्ट टाइम है 1:05। अब तक इस ट्रेन ने 251 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का सातवां स्टॉप है वनकनेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 1:50 और डिपार्ट टाइम है 1:52। अब तक इस ट्रेन ने 293 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का आठवां स्टॉप है सुरेंद्रनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 3:06 और डिपार्ट टाइम है 3:08। अब तक इस ट्रेन ने 367 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का नौवां स्टॉप है विरमगम जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 4:10 और डिपार्ट टाइम है 4:12। अब तक इस ट्रेन ने 433 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का दसवां स्टॉप है अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 5:30 और डिपार्ट टाइम है 5:40। अब तक इस ट्रेन ने 498 किलोमीटर का सफर तय किया और 10 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 11वां स्टॉप है आनंद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 6:45 और डिपार्ट टाइम है 6:47। अब तक इस ट्रेन ने 563 किलोमीटर का सफर तय किया है और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 12वां स्टॉप है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 7:21 और डिपार्ट टाइम है 7:31। अब तक इस ट्रेन ने 598 किलोमीटर का सफर तय किया और 10 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 13वां स्टॉप है सूरत रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 9:15 और डिपार्ट टाइम है 9:20। अब तक इस ट्रेन ने 728 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 14वां स्टॉप है नंदुरबार रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 11:30 और डिपार्ट टाइम है 11:40। अब तक इस ट्रेन ने 899 किलोमीटर का सफर तय किया और 10 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 15वां स्टॉप है जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 2:25 और डिपार्ट टाइम है 2:35। अब तक इस ट्रेन ने 1,039 किलोमीटर का सफर तय किया और 10 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 16वां स्टॉप है मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 5:05 और डिपार्ट टाइम है 5:10। अब तक इस ट्रेन ने 1,199 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 17वां स्टॉप है नगरसोल रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 5:53 और डिपार्ट टाइम है 5:55। अब तक इस ट्रेन ने 1,222 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 18वां स्टॉप है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 7:40 और डिपार्ट टाइम है 7:45। अब तक इस ट्रेन ने 1,310 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 19वां स्टॉप है जालना रेलवे स्टेशन, अराइवल टाइम है 8:48 और डिपार्ट टाइम है 8:50। अब तक इस ट्रेन ने 1,373 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है।
इस ट्रेन का 20वां स्टॉप है परभनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 10:38 और डिपार्ट टाइम है 10:40। अब तक इस ट्रेन ने 1488 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 21वां स्टॉप है पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 11:15, डिपार्ट टाइम है 11:20। अब तक इस ट्रेन ने 1516 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2200 स्टॉप है हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 11:55 और डिपार्ट टाइम है 12 बजे। अब तक इस ट्रेन ने 1546 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2300 स्टॉप है मुदखेड जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 12:58 और डिपार्ट टाइम 1 बजे। अब तक इस ट्रेन ने 1567 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2400 स्टॉप है निजामाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 2:18 और डिपार्ट टाइम है 2:20। अब तक इस ट्रेन ने 1657 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2500 स्टॉप है कामारेड्डी रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 3:04 और डिपार्ट टाइम है 3:05। अब तक इस ट्रेन ने 1709 किलोमीटर का सफर तय किया और 1 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2600 स्टॉप है महबूब नगर रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 7:33 और डिपार्ट टाइम है 7:35। अब तक इस ट्रेन ने 1929 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2700 स्टॉप है कर्नूल सिटी रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 9:28 और डिपार्ट टाइम है 9:30। अब तक इस ट्रेन ने 2060 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2800 स्टॉप है धोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 12:10 और डिपार्ट टाइम है 12:15। अब तक इस ट्रेन ने 2114 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 2300 स्टॉप है यरगुंतला जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 2:44 और डिपार्ट टाइम है 2:45। अब तक इस ट्रेन ने 2286 किलोमीटर का सफर तय किया और 1 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3000 स्टॉप है कड़ापा रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 3:28 और डिपार्ट टाइम है 3:30। अब तक इस ट्रेन ने 2325 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3100 स्टॉप है रेणुगुंटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 5:35 और डिपार्ट टाइम है 5:40। अब तक इस ट्रेन ने 2451 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3200 स्टॉप है तिरुपति रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 6:05 और डिपार्ट टाइम है 6:10। अब तक इस ट्रेन ने 2460 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3300 स्टॉप है कटपाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 8:13 और डिपार्ट टाइम है 8:15। अब तक इस ट्रेन ने 2565 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3400 स्टॉप है जोलार पिताई जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 9:33 और डिपार्ट टाइम है 9:35। अब तक इस ट्रेन ने 2650 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3500 स्टॉप है सलीम जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 11:25 और डिपार्ट टाइम है 11:30। अब तक इस ट्रेन ने 2770 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3600 स्टॉप है रसाईपुरा रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 11:59 और डिपार्ट टाइम है 12 बजे। अब तक इस ट्रेन ने 2796 किलोमीटर का सफर तय किया और 1 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3700 स्टॉप है नमाकाल रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 12:24 और डिपार्ट टाइम है 12:25। अब तक इस ट्रेन ने 2822 किलोमीटर का सफर तय किया और 1 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3800 स्टॉप है कारू जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 1:08 और डिपार्ट टाइम है 1:10। अब तक इस ट्रेन ने 2855 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 3900 स्टॉप है दिंदुगुल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 2:30 और डिपार्ट टाइम है 2:35। अब तक इस ट्रेन ने 2129 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 4000 स्टॉप है मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 3:20 और डिपार्ट टाइम है 3:25। अब तक इस ट्रेन ने 2992 किलोमीटर का सफर तय किया और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 4100 स्टॉप है मनमंदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 4:20 और डिपार्ट टाइम है 4:25। अब तक इस ट्रेन ने 3039 किलोमीटर का सफर तय किया है और 5 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 4200 स्टॉप है परामाकुदी रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 4:49 और डिपार्ट टाइम है 4:50। अब तक इस ट्रेन ने 3063 किलोमीटर का सफर तय किया और 1 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का 4300 स्टॉप है रामानंतपुरम रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 5:18 और डिपार्ट टाइम है 5:20। अब तक इस ट्रेन ने 3099 किलोमीटर का सफर तय किया और 2 मिनट का इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है। इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन है नंदापाम रेलवे स्टेशन। अराइवल टाइम है 5:53। अब तक इस ट्रेन ने 3136 किलोमीटर का सफर तय किया है। आप एक मरतबा इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जुनैद व्लॉग को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।